पर स्कैम्स होते हैं, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप लोग गाड़ी वाड़ी पूरा चेक करके ले लेना। लगा तो नहीं, क्या हुआ? अरे बाप रे, पूरा खेती है बनाई हुई मस्त पे की। यहाँ पर नारियल के पेड़, सुपारी की पेड़, यहाँ पर आम का पेड़ है। वाह, इट्स अमेजिंग। ट्रेन से उतरते हम लोग अभी जा रहे हैं अपना स्कूटी पिक करने के लिए। ख्वाजा साहब ना आपका नाम? ख्वाजा साहब का जो यहाँ पर शॉप है, जो स्कूटी होती है आपको मिल सकती है यहाँ से। मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर है ऑफिस। आप लोग कभी इन फ्यूचर में आते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर ट्राई करो। तो सर हमारा वो घर के घर का है। अच्छा, घर में हमारा 59। और एक नंबर है? नहीं, उतना ही है। सो अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ से मुझे एक्टिवा पिकअप करना था। उन्होंने मुझे पिकअप कर लिया स्टेशन से। अब यहाँ से एक्टिवा 6G मुझे लेना है, शायद 6G। सो मैं उसका पूरा वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज पता नहीं क्या मतलब गाड़ी वाड़ी का कंडीशन वो देख के प्रॉपर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बिकॉज मैंने ये थाईलैंड में चीज़ देखी थी जहाँ पर स्कैम्स होते हैं। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप लोग गाड़ी वाड़ी पूरा चेक करके ले लेना। पर दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था इनको देने के लिए, तो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख दिया इनके पास। और यहाँ पर गोवा में आपके पास अगर फ़ोन पे अगर है फ़ोटो तो भी चल जाता है, या फिर आपके पास डिजी लॉकर है वो भी चल जाता है। ये थोड़ा सा ये है, वो चल जाता है, ठीक है। इधर थोड़ा ये है, गाड़ी आपकी ये मालूम है, पड़ जाता है हमको, ये मालूम है ना? हाँ मालूम है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर पूरा अलमारी में ये ऑन, ठीक है। बाकी लाइट वाइट है ना प्रॉपर? 24 उसका लाइट ज़्यादा, 24 और ऑन रहता है। ये हॉर्न नहीं बज रहे थे, चाबी ऑन करें ना सर? चाबी ऑन ही है। लाइट बंद में बैटरी का इशू नहीं आता, फिर ऑफ ही कर देना ना। हां ऑफ ही कर, हां इधर भी रुका ना, तो क्या होता है स्टार्ट मार दो। ए हॉर्न बजा रहा है सर इसका? ओए हॉर्न बज रहा नहीं, क्या बज रहा? मैं तो टच से इसको बोल रही हूं, ठीक है मैं निकलता हूं, ठीक है। आईडिया आपको दे दिया था ना पूरा? मैं ओके। सो हम लोगों ने अभी यहाँ पर स्कूटी ले ली है और मैंने पूरा वीडियो निकाला इसका कि कितना है क्या है। लोग जा रहे कैनकोना बीच और मेरा खुद का हेलमेट लेके आए, बिकॉज क्या होता है कि इनके पास जो हेलमेट रहते हैं ना वो इतने अच्छे वाले भी नहीं रहते, प्लस अपने को उसके ऊपर GoPro भी माउंट करना रहता है, तो उसके वजह से मैंने अपना खुद का हेलमेट लेके आया हूँ। वैसे आप लोगों को यहाँ पर हेलमेट मिल जाता है, और यहाँ पर जो गाड़ी का आपको रेंट है वो पर डे 400 के हिसाब से देना पड़ता है, 400 पर डे। और जितना दिन रुकोगे उतना कर दो, जैसे मेरा है 5 days का, तो 2000 मेरा रेंट जाता है, और 1000 रुपीज़ वो लोग डिपॉजिट लेते हैं, प्लस आपका जो लाइसेंस है वो लोग ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है यहाँ पर। चलो अभी कैनकोना निकलते यहाँ से। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप्स एंड ट्रेड्स। माय नेम इज़ मनीष एंड दिस इज़ द सेम डे, मतलब जिस टाइम हम लोग पहला व्लॉग बनाया है हम लोगों ने वंदे भारत का, उस दिन का ही व्लॉग है। अब हम लोग गोवा में पहुंच गए, मतलब गोवा हम लोग अराउंड 3:30 के आसपास पहुंच गए। अब यहाँ से हम लोग कैनकोना बीच जाते हैं, विच इज़ लाइक 40 किलोमीटर्स के आसपास है, 40 किलोमीटर्स के आसपास है। सो गाइज़ वेलकम टू गोवा, प्लीज़ जाओ यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मैं देता रहूँ। बोलो ना, जाएंगे ना? हाँ, आपको सिग्नल मिलेगा, सिग्नल के लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है, ओके, वहाँ पे पेट्रोल भरवा के फिर यू टर्न लेके फिर स्ट्रेट चले जाओ कैनकोना। अच्छा, यही रोड कैनकोना जाता है? यही रोड कैनकोना, ओके चलेगा सर, थैंक यू। स्कूटी तो अच्छी लग रही है मेरे को, ठीक ठाक है।
अरे यार लेकिन इधर का ना स्कैम है ही यार, कुछ नहीं कर सकते, देखते चलो कोई नहीं, आराम से चलाते हैं, कोई भाई नहीं अपने को, चार दिन घूमते हैं। ओके पेट्रोल पंप ये देखो, पेट्रोल पंप का साइन तो आ गया ही है, पेट्रोल पंप देखें। ओके मिल गया पेट्रोल पंप, यही पर है। यहाँ पर करते हैं रिफ्यूल अपना गाड़ी। फुल करना भाई, ऑनलाइन होगा ना पेमेंट? हाँ रुक जा, कैसे है पेट्रोल इधर? 97 कर लेना। इन है ओके, ये देखो कारवार, मतलब कारवार मतलब अपना वही वाला रोड, एंड ये कानकोना टूवर्ड्स कानकोना जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रास्ता पार कर लिया है अभी तक, मेरे को अभी नींद आ रहा है, तो वहीं पर रुकते हैं जहाँ से हम लोग कुछ पी सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, तो उस जगह देखते हैं और थोड़ा सा रुक के ना मुँह धो लेते, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है यार मेरे को अभी, ठीक है। और चाय पी के निकलते हैं, ये रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये एक्चुअली रास्ता रहता है कारवार मतलब कर्नाटका, मुंबई अपना गोवा को कर्नाटका से यही रास्ता ये करता है कनेक्ट, गोवा को कर्नाटका से यही रास्ता कनेक्ट करता है, और यही हाईवे है, और ये ऑन द वे है अपने ये कैनाकोना बीच के तरफ, तो अपने को जहाँ पर है। ओ आंटी रुको, भाई ना बस भारी है रे, कारवार कानकोना, हाँ कानकोना इधर क्यों बताया उसने, कानकोना अभी तक 23 किलोमीटर है। गद गद वाओ, लोकेशन काफ़ी अच्छा है ये देखो, एकदम कोंकण गांव साइड आने का जो फील है ना वो आ रहा है अभी मुझे, सो इट्स अमेजिंग। हम लोग जो जा रहे हैं ना वो है साउथ गोवा, बिकॉज मैंने जितना सुना है नॉर्थ गोवा काफ़ी लोग जाते रहे, तो मैंने सोचा कि चलो यार नॉर्थ गोवा छोड़ के हम लोग साउथ गोवा जाते हैं और ऐसे प्लेसेस देखते हैं जहाँ पर जो लोगों ने अभी तक देखे नहीं है साउथ, मतलब गोवा में आके साउथ साइड देखी नहीं है, बहुत सारे लोग यहीं पर आते हैं नॉर्थ गोवा में आते हैं, तो हम लोग साउथ साइड पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी अच्छी प्लेसेस है जो देख सकते हैं आप लोग, और मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा कि कौन सी अच्छी जगह है। कैसे हो रहा है ना, थोड़ा सा बीच वाला फैन है वो एकदम कोई नहीं है, फिर बाद में अचानक से थोड़ा सा घर भर दिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर रेस्टोरेंट है कुछ तो है, यहाँ पर जाते हैं। चाय कॉफ़ी कुछ तो आपके यहाँ पर मिलेगा, आपके यहाँ पर मिलेगा चाय मिलेगा। सो यहाँ पर अभी बालनी एरिया में रुका हूँ, यहाँ से अभी कानकोना अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पर मेरे को लगा था भूख, यहाँ पर समोसा खा लेते हैं और चाय भी लेते हैं, चाय एक्चुअली मैंने छोड़ा था लेकिन पीना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पर कर दिया मैंने अभी चाय एंड एक समोसा खा लिया, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी और ये भी हुआ था क्या बोलते उसको, थक भी गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ खा लूँ। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास अपना डेस्टिनेशन है। ओके और ये खूबसूरत सा रास्ता वापस चालू हो गया कानकोना जाने के लिए, लेट्स गो गाइस। कैसा लग रहा है वीडियो बता देना यार, गोवा की वाइब्स और बहुत ही बढ़िया आ रही है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, होप सो ऐसा ही रहे अपना ट्रिप मस्त पे की एकदम विदाउट बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। एकदम ऐसा पता नहीं क्यों लेकिन ये रेवदंडा वाला अलीबाग वाला फील आ रहा है मेरे को अभी, ये देखो ना ऐसे ही रेवदंडा और अलीबाग के बीच वाला जो रोड है ना ऐसे ही सेम दिखता है, एरिया बल्ली था ओके, सो बाल्ली ओके,
यहाँ पर वैसे ही सेम लग रहा है, बस ये गोवा है और जो हम लोग जाते हैं वो है रेवदंडा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट काफ़ी खूबसूरत है गोवा, साउथ साइड आ जाओ यार, बहुत मज़े है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बाल्डी गोवा। काजू के पेड़, काजू कहाँ मिलता है वो? यस मस्त लग रहा है एकदम, है ना? वाह ये स्पॉट तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ से ऐसी बसेस चलती है, पूरा सा संभल कर गाड़ी चलाओ यहाँ पर, और जो कर्नाटका वाले जो गाड़ी लेके आ रहे हैं ना भाई साहब, बहुत गंदे तरीके से लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा संभाल कर गाड़ी चलाओ। मस्त है ना एकदम ऐसा नेचर में, एकदम ऐसे बस स्टॉप है, कितना प्यारा लग रहा है यार मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लेस। वाह एकदम जंगल के बीच में से जा रहे हैं हम लोग अभी। वाह ये देखो कितना खूबसूरत है, आहा एकदम छोटा सा पॉन्ड है, पूरा खेती है बनाई हुई मस्त पे की, यहाँ पर नारियल के पेड़, सुपारी की पेड़, यहाँ पर आम का पेड़ है। वाह इट्स अमेजिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके लेट्स गो, डेस्टिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है आप छोड़ सकते हो बिकॉज, बट ये कूल प्लेस लगा। ये देखो ना यार कितना मस्त, एकदम पानी एकदम क्लीन है, लगा तो नहीं, नहीं, सर, नहीं, नहीं। क्या हुआ? चला गया। ये नहीं लगा, नहीं लगा। अरे बाप रे, आराम से जाओ, आराम से जाओ। स्मूथ है ना रास्ता? हाँ तू तो ब्रेक नहीं लगा, वो सीधा अंदर आ गया। आराम से जाओ, आराम से जाओ। इसके लिए ना ये वाले स्कूटीज है ना, इसका बहुत पंगा है बिकॉज मेरे बहन के साथ भी यही हुआ था, सोनू के साथ भी यही हुआ था। उसने जो स्कूटी लिया वो उसका ब्रेक ही नहीं लग रहा था, जैसे मैंने गाड़ी लिया ना हाथ में, मैंने पहला देखा ब्रेक लग रहा है कि नहीं भाई। एंड हियर यू गो, वेलकम टू कनाकोना। अब यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ से हम लोग कोच के जाते हैं। ओके कोची इज 716 किलोमीटर। ओके आगे ही है थोड़ा सा ही, चलो लेट्स सी। फिश देखो मस्त एकदम। हियर यू गो, यहाँ से अंदर है। हाँ मैंने पहुँच गया, अपन टाइम के पहले ही पहुँच गए।
हाँ मेरे बुकिंग था मनीष मात्र। ठीक है तो ये है हमारा आज का स्टे, यहाँ पर होगा स्टे, मतलब नेक्स्ट फोर डेज के लिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो आई होप अपना स्टे अच्छा रहेगा। अब जाके जस्ट फ्रेश हुआ हूँ मस्त, क्योंकि मज़ा आ गया। तो अब जाते हैं यहाँ से एक सनसेट देखने के लिए फैंटम बीच। वीकली जाते हैं बिकॉज सनसेट होने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। लेट्स सी।